अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। एक और खूबसूरत व्लॉग का आगाज़ करते हैं अल्लाह ताला के पाक नाम के साथ और इस खूबसूरत दिन के साथ। आज ना 13 जून है और दिन है मंगल का, और जुहेब जो है एक चीज़ उठा के लाया है नीचे से, दिखाओ। ये जनाब चिड़िया का बच्चा है, नीचे गिर गया था क्योंकि किचन में जो फ़ैन लगा हुआ है एग्जॉस्ट फ़ैन, उसके अंदर चिड़िया ने घोंसला बना के बच्चे दिए हुए हैं। तो मैंने उस एग्जॉस्ट फ़ैन का कनेक्शन जो है वो काट दिया था कि गलती से कोई पंखा ना चला दे तो वो इसके बच्चे या चिड़िया जो है मर ना जाए। तो मैं आपको दिखाता हूँ, हम लोग ये जो चिड़िया का बच्चा है इसको वापस इसके घोंसले में रखने लगे हैं। वो सामने ऊपर जो है ना एग्जॉस्ट फैन वो लगा हुआ है, ये वाला हाँ, पंखे के अंदर है घोंसला ना, जल्दी से दे दो पापा। पापा को पकड़ लो पीछे। घोंसले के अंदर रखे, घोंसले में रखना। तो इसीलिए इतनी आवाज़ें सुबह आ रही थी, शोर बहुत ज़्यादा था इसका। जुहेब को दुआएं देंगे उसके पेरेंट्स ना, बच्चा हमारा मिल गया हमें, अच्छे काम इस तरह करने चाहिए। मेरी तरफ ये इधर बच्चा रख दिया, इसके पेरेंट्स अभी अंदर गए थे, हमें देख के डर गए हैं, तो उसके पेरेंट्स बहुत खुश हैं। तो इनका आपने इधर दाना पानी भी लगाया हुआ है? हाँ जी, खाते हैं इधर से बहुत। दो प्लेटें मैं कहता हूँ चने की कर लें और एक हलीम की कर लें, क्या है? दो हलीम? नहीं, दो हलीम की कर लें। चने तो ज़ारा ही खाती है, एक चने की कर लें और दो हलीम। 90 की है हलीम की और हाँ, दो प्लेट हलीम की कर लें और एक चने की कर लें। अंडा वाला चना या खोए वाला? नहीं, खोए वाला चना सही है, इसमें ना स्पाइसेस नहीं आते ज़्यादा। कर दिया ऑर्डर। फूड पांडा का जनाब फूड आ चुका है और ये है जनाब हलीम, ये साथ में इसके लेमन वगैरह है, ये चने हैं और ये ज़बरदस्त जुहेब है जो कि ज़बरदस्त भूख के साथ ज़बरदस्त वेट कर रहा है। जुहेब को देखो, खाने पीने का इतना शौक है, एक साथ डांस भी होता है, इसलिए मोटा हो गया ना। ये फालसा मैंने जमा के रखा था, तो जुहेब को फालसे का शरबत बना के देती हूँ। अब गर्मी आज बहुत ज़्यादा है, तो चलो फालसे का शरबत बनाते हैं। कितना ज़्यादा इसमें पर्पल कलर है ना, ये ना आड़ू की तरह इसमें भी आर्टिफिशियल कलर डालो। फालसे को लगाया हो कलर पहले ही ना, नहीं वैसे पका हुआ ना। हम लोग जनाब शाम की चाय पी रहे हैं, तकरीबन 4:30 का टाइम है, तो जैसे ही चाय बना लें साथ ही बिजली बंद हो जाती है। हाँ, मुझे आज तक इस चीज़ की समझ नहीं आई कि वाकई वालों को पता कैसे चलता है कि इन्होंने चाय पी रहे हैं ना, उनको पता नहीं। हमेशा ही यकीन करें, हमने जब भी चाय पी है बिजली बंद भी की है। वैसे बिजली बंद में भी चाय पीने का अभी अल्लाह का शुक्र है कि लोड शेडिंग इतनी नहीं होती है, अभी आज ही थोड़ी सी भी आधा घंटा बंद होती है इस टाइम। हाँ, ये बाकी अल्लाह करे आगे जुलाई में भी और अगस्त में भी ना हो ज्यादा लोड शेडिंग, बारिश शुरू हो जाए तो मौसम ठंडा हो जाएगा। हम पी रहे हैं चाय और जुहेब कह रहा है कि मुझे अंकल जो समीउल्लाह शेफ है उनकी जो आइसक्रीम आपने बनाई थी वो बहुत याद आ रही है, तो उनका जो कुल्फा है वो भी ट्राई करते हैं। तो समीउल्लाह भाई की जो कुल्फे वाली आइसक्रीम थी मुझे उनकी भी रेसिपी काफी अच्छी लगी, तो वो भी ट्राई करेंगे। जिस दिन फ्रेश दूध मिला ना तो उस दिन जरूर बनाएंगे। वैसे हमने चंद एक और रेसिपीज भी और शेफ्स की भी देखी हैं और चैनल्स पे भी, तो उनकी भी मुझे अच्छी लगी है, तो सारा एक दफ़ा रिसर्च करके फिर देखेंगे जिसकी अच्छी हो और आसान भी हो और अपने आप को भी समझ आए, तो वो इन ट्राई करेंगे। बाबा फूड की भी रेसिपी बड़ी अच्छी, क्योंकि एक और भी चीज़ देखने में आई है कि मैंने नोट किया है कि जितने ज़्यादा चैनल्स होते जा रहे हैं और जितनी ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं तो क्या कोशिश करते हैं कि वीडियो को शॉर्ट करने के लिए, रेसिपी को आसान करने के लिए कुछ ऐसे बीच में चीज़ें डाल देते हैं, जिस तरह कॉर्नफ्लावर, एक जिस तरह किला बता रही थी कि वो चली है नस वाली रेसिपी, कड़ी में कड़ी पकौड़ा में उसको गाढ़ा करने के लिए कॉर्नफ्लावर डाल रहे हैं कि जी 5 मिनट में 10 मिनट में कड़ी तैयार हो जाती है,
तो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं आती तो मैं इनको बीच में से स्किप कर देता हूँ। मैं नेचुरल चीज़ें से चीज़ों से नेचुरल तरीके से बनाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा अच्छा वो देखिए जो आजकल एक रेसिपी बनी चल रही है, रस से आइसक्रीम, रस से ब्रांड से कुल्फा बनाने बनाते हैं, लेकिन वो भी ट्राई करेंगे देखेंगे क्या होता है, उसमें क्या मंतक है, क्या सुनने में अजीब सा लग रहा है, लेकिन देखेंगे कैसे। बाकी ये है कि एक बातों की बात है कि कुल्फे के हम शौकीन बड़े हैं ज़ुहेब में, और रसमलाई की भी। ज़ारा जो है वो ओवरऑल आइसक्रीम की शौकीन है, जिसमें स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, मैंगो आइसक्रीम, ऑरेंज आइसक्रीम, और अकीला जो है वो टूटी फ्रूटी। हाँ, मेरी फेवरेट है टूटी फ्रूटी, तो मैं कहती हूँ जितनी गर्मी है उतनी गर्मी है, और चाय जब पी के गर्मी लग रही है, आइसक्रीम की बातों से भी मजा आ रहा है। हाँ, शुक्र वालों की आइसक्रीम की क्या बात है। तो दोस्तों आज की व्लॉग का एंड मैं कर रहा हूँ, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।